पूरा देश एक बार फिर से दीपावली का पावन त्योहार मनाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान को लेकर पूरे देश में जगह जगह पर लोगों ने आतिशबाजी की, फुलझड़ियां जलाए, पटाखे फोड़े, रंग बिरंगे लाइटों से अपने इलाके अपने घर को सजाया, मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की, जहां सकल हिंदू समाज और भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले द्वारा प्राण प्रतिष्ठान के पावन पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हम आपको बता दें कि रामलीला, आतिशबाजी, रंगोली, दीपोजलन और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर राम जी के कई ऐसे भजन और कई ऐसे कलाकारों ने अपनी कला को प्रकाशित किया और लोगों को भाने का कार्य किया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस चौक और इस कार्यक्रम में लगभग 15,000 से भी अधिक लोग मौजूद थे, जहां पूरी जानकारी विधायक महेश चौगले और उनके सहयोगी रवि पाटिल, रवि सावंत, विकास भापना, वहां पर मौजूद राजू चौगले और आपको बता दें कि भारी संख्या में जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, सभी का आभार विधायक महेश चौगले ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल, जो कि भिवंडी लोकसभा के सांसद भी हैं, उनके साथ में हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल, प्रसाद पाटिल, रवि पाटिल, आदित्य यादव, लक्ष्मण यादव के साथ में आपको बता दें कि वहां पर भरत जंगनानी भी मौजूद थे, विक्की जंगनानी भी वहां पर दिखाई दिए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस महोत्सव में शामिल हुए और सभी लोगों के मुख पर जय श्री राम के नारे थे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कला को प्रकाशित किया। वहां पर रामलला जी के कई ऐसे भजन कीर्तन किए गए, कई कलाकारों ने अपने सुरीली आवाजों से लोगों को मोहने का काम किया। विशेष तौर पर पूरी तस्वीर भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की है और खासकर आपको बता दें कि इस चौक पर फायर शॉट देखकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठान को लेकर जो पूरे देश में जश्न का माहौल है, जो खुशियां हैं, जो क्या हम कह सकते हैं कि जो आनंद मैं इस त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है, इस बीच भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर विधायक महेश चौगले और सकल हिंदू समाज के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें भी 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बना और उसमें आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, उसके अवसर पर पूरा हिंदू समाज एकदम आनंदमय है और दीपोत्सव कर रहा है, दीपावली मना रहा है, तो पूरे विश्व में और भारत देश में भी हर जगह ये घरों यानी हर घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। वैसा ही ये भिवंडी में कार्यक्रम था, हमारे पूरे सकल हिंदू समाज के माध्यम से ये कार्यक्रम था, उसमें कोई पार्टी नहीं थी, सब पार्टी के लोग थे और सब मिल के ये कार्यक्रम किया।
और यह अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके वजह से एक आज भिवंडी में ऐतिहासिक जो क्षण था उसका कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया, ऐसा मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ उसके लिए। रवि जी क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि बड़े ही सफलतापूर्वक छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जो सकल हिंदू समाज द्वारा और विधायक नरेंद्र चौधरी द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, खासकर प्रांत प्रतिष्ठान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज जो अभी ये कार्यक्रम जो है लाइव शो था वो पूरे भिवंडी ने भी देखा और यहाँ पे आए हुए सब हिंदू बांधवों ने इसका मजा लिया, तो इसलिए मैं आमदार महेश चौगुले और अखंड हिंदू समाज की तरफ से वो पूरे अखंड हिंदुओं को जो भिवंडी के हिंदू है जिन्होंने बताया यहाँ पे आके यूनिटी पावर शिवाजी चौक में आके जो अपना 4 घंटे का वक्त दिया और ये कार्यक्रम को एकदम सक्सेस किया, तो ऐसे में तमाम हिंदुओं का आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और सभी बांधवों को ऐसे ही हर साल अपन 22 जनवरी को ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा मैं ये करता हूँ। और भिवंडी में जो शिवाजी चौक पर जितने भी लोग जमे हुए हैं और जिन्होंने महेश चौगले के बारे में अपना प्रेम बताया, अभी भी वो महेश सेट के साथ सेल्फी निकालने के लिए अभी 1 घंटा है हुआ है, प्रोग्राम बंद हो गया फिर भी रुके और जो तो सेल्फी देखने के पीछे लगा हुआ है, तो मैं सभी का आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पावन पर्व जैसा महामंदिर देखने को मिला, मंदिर में भी चीजें देखने को मिली, युवकों की भी काफी भीड़ यहाँ पर थी, क्या कहेंगे? जय श्री राम सभी को। आज मोदी जी ने जो धर्म को लेके हर युवा में हर एक नागरिक में जो जोश पैदा किया है वो आज यहाँ पे खुले आम लोग देख सकते हैं। बहुत ही मतलब फख्र की बात है कि मोदी जी ने पूरे देश को एक साथ जोड़ के हमारे हिंदुत्व को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। और उसी तरह से आज जो दिवाली मनाई गई है पूरे भारत में, वो दिवाली आज हम ऐसा मानते हैं कि हम दूसरी बार दिवाली मना रहे हैं इस साल की, और ये दिवाली वो हमारे दिवाली से भी बड़ी दिवाली आज हमने मनाई है। तो लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे और हर कोई अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहा था और जय श्री राम का नारा गा रहा था। मैं मोदी जी को इसी सफल प्रयत्न को आगे बढ़ा के मैं उनके जो आने वाले कल में उनको बहुत कुछ उनको हासिल होगा, मैं उनको ये मतलब कि आज जश्न जो क्या दिखाई दे रहा है उसमें विधायक चौकी जी के उसमें और सकल समाज जो काम किया गया है अयोध्या का जश्न पूरे आज हमने जनवरी महीने में दिवाली कैसे होती है ये पहली बार देखा है और ये देखने का कारण है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने घर विराजमान हुए और वो भी मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व के अंडर। और आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सब रिकॉर्ड टूटते हुए देखा है, हमने देखा है कभी 6,000 कभी 7,000, आज 15,000 प्लस पब्लिक यहाँ पे थी। आने वाले 50 साल में भिवंडी में ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं बना कि इतनी पब्लिक थी। आज सब जगह से आए लोग, लोगों ने आनंद लिया और कल जब आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भिवंडी और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और आमदार महेश प्रभाकर चौगुले का सफल नेतृत्व दिखेगा और सकल हिंदू समाज भिवंडी में कितना मजबूत है, कितना अखंड है, ये आपको कल सोशल मीडिया सब पेपर में और आपके न्यूज़ पे भी सब जगह वायरल होगा। और इसी के साथ फिर से एक बार बोलना चाहूँगा जय श्री राम। सबसे पहले मैं सभी भिवंडी के शहरवासियों को जय श्री राम का नारा देते हुए मोदी जी को धन्यवाद कहूँगा कि जो इन्होंने हिंदू लोग की 500 वर्ष की जो मनोकामना थी वो पूरी की। आज इस प्रोग्राम में महेश जी चौगुले साहब इन्होंने जो इसका प्रोग्राम रख के जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इन्होंने भिवंडी में हिंदुओं में जन जागृति की एक संकल्पना नई रूप से सादर किया है, इसके लिए महेश जी चौगुले को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और आगे 2024 MLA के लिए मैं वही नारा दूंगा जय मोदी, जय मोदी सरकार।